हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट वन का जो सेकंड पेपर है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, उसमें एल्गी से स्टार्ट किया है हम लोगों ने। एल्गी का आज का टॉपिक है पिगमेंट्स इन एल्गी। पिगमेंट्स इन एल्गी, एल्गल सेल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स, and these combination of pigments is specific to each class. In all the classes of algae except cyanophyceae, या आप उसको कहेंगे blue green algae या cyanobacteria, the pigments are present within membrane bound organelles known as plastids. In blue green, the pigments are concentrated in the peripheral cytoplasm known as chromoplasm. Plastids are of the following two types. They are leucoplast or chromoplast. Leucoplast are colorless plastids and chromoplast are colored plastids. Chromoplast are again further subdivided into chloroplast and chromatophores. Chromoplast contain both chlorophyll A and B, and chromatophores lack chlorophyll B. Chloroplast को हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं। इनमें chlorophyll A के साथ साथ chlorophyll B भी पाया जाता है, और वर्णकी लवक chromatophores इनमें chlorophyll B का अभाव होता है। फियोफाइसी में वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। वर्णक या पिगमेंट्स, ये विशिष्ट प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं जो शैवालों को एक आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इन वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अतः इन्हें हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। शैवालों में अनेक वर्णक पाए जाते हैं, और शैवालों का जो रंग है वो उनके वर्णकों या किसी एक पर्टिकुलर वर्णक की डोमिनेंस पर निर्भर करता है। शैवालों में वर्णकों को अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस, इस प्रकार से। और जब हम ये देखते हैं कि एल्गी में जो प्लास्टिड्स हैं वो अलग अलग प्रकार की आकृति के पाए जाते हैं, जैसे कि कप शेप्ड का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स आपके कोर्स में है, इसमें डिटेल कप शेप संरचना है। डिस्कॉइड का हिंदी में नाम बोलेंगे बिंबाकार, इसका उदाहरण है वाउचेरिया और कारा। नेक्स्ट है गर्डल शेप्ड, मेखलाकार आकृति, और गर्डल शेप का उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। रेटिकुलेट, जालिकावत, इसका उदाहरण है ओडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा। फिफ्थ है स्पाइरल यानी कि रिबन शेप, नाम से स्पष्ट हो रहा है स्पायरो वगैरह में पाया जाता है। स्टीलेट यानी कि तारे की आकृति वाला ताराकार, तारे की आकृति जैसा पाया जाता है जिग्नीमा में। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। सबसे पहले क्लोरोफिल्स, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड ई। ऑफ दीज टाइप्स क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एंड क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट ओनली इन क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी। क्लोरोफिल सी इज लार्जली प्रेजेंट इन मैराइन हैबिटेट्स, एग्जाम्पल फियोफाइसी,
क्रिप्टोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी। क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन सम रेड एल्गी एंड क्लोरोफिल ई इज प्रेजेंट इन सम ज़ैंथोफाइसी सच एज वॉचेरिया हमाटा। इसको हिंदी में इस प्रकार समझेंगे कि शैवालों में 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ए बी सी डी एंड ई। शैवालों में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली प्रेजेंट है, यानी कि सब में पाया जाता है, सारे शैवालों में। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी, यूक्लिनोफाइसी, कैरोफाइसी में है, और क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई बहुत कम शैवालों में पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण मैंने बताया कि वॉचेरिया के जो बीजाणु होते हैं उनमें मिलता है। नेक्स्ट आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। दीज आर ऑक्सीजन फ्री एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स composed of isoprene units. The 5 types of carotenes that occur in algae are alpha carotene in chlorophyce, cryptophyce and rhodophyce. Beta carotene is present in nearly all algal groups except cryptophyce. C carotene is present in chlorophyce. ई कैरोटीन बैसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी एंड साइनोफाइसी। और फ्लेविसिन इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी। कैरोटीन्स नारंगी अथवा पीले रंग के होते हैं और शैवालों में ये 5 प्रकार के हैं जो भी मैंने बताया आपको, और अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार के कैरोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स, मोर देन 20 टाइप्स ऑफ ज़ैंथोफिल्स आर नोन एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू कैरोटीन मॉलिक्यूल। मैनी ज़ैंथोफिल्स कॉमन इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल इन ल्यूटीन, वायलोज़ैंथिन, नियोज़ैंथिन। They are found in the members of chlorophyce and phaeophyce. Fucoxanthin is the main xanthophyll pigment of phaeophyce and diatoms. Xanthophylls को carotenols, carotenols भी कहा जाता है। ये पीले व भूरे रंग के होते हैं। शैवालों में लगभग 20 प्रकार के ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। अधिकांश शैवाल समूह में विशिष्ट ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स आर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड बाइल पिगमेंट्स। फाइकोबिलिन्स आर रेड फाइकोएराथ्रिन एंड ब्लू फाइकोसाइनिन। दे आर फाउंड इन रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी रिस्पेक्टिवली। रोडोफाइसी में फाइकोएराथ्रिन है और साइनोफाइसी जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है। दे एक्ट एज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस and the light absorbed by them is transferred to chlorophyll A. इसीलिए carotenoids phycobilins की तरह एक accessory pigment है। phycobilins लाल व नीले रंग के वर्णक हैं जो rhodophyce, cyanophyce व cryptophyce में पाए जाते हैं। 7 प्रकार के फाइकोबिलिन्स नोन हैं, आर फाइकोएराथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, बी फाइकोएराथ्रिन, सी फाइकोएराथ्रिन,
सी फाइकोसाइनिन, एक्स फाइटोराइथ्रिन क्रिप्टोफाइसी में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और बाकी के सभी जो वर्णक हैं वो सहायक होते हैं और इनडायरेक्ट रूप से लाभकारी हैं। जो प्रकाश की तरंगे हैं वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती हैं और सहायक वर्णक उन्हें अवशोषित करके उसकी ऊर्जा को, एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। विभिन्न जो शैवाल समूह हैं उनमें वर्णकों के प्रकार व अनुपात अलग अलग पाए जाते हैं और इसी के बेसिस पर, पिगमेंट्स के बेसिस पर ही एल्गी में क्लासेस का डिवीजन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम अभी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो है पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। ये प्रोटीनीय संरचनाएं हैं और लवकों की सतह पर या अंतः स्थापित पाई जाती हैं, या तो सरफेस पर होंगी या एम्बेडेड होंगी। ये स्टार्च व अन्य समकक्ष भोज्य पदार्थों को संचित करने का स्थल है। ठीक है, साइफोनोइल्स के अतिरिक्त क्लोरोफाइसी में पायरेनॉइड की उपस्थिति सामान्यतः पाई जाती है। कोशिकाओं में पायरेनॉइड की संख्या एक अथवा एक से अधिक हो सकती है। क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी में पायरेनॉइड की सरफेस पर स्टार्च पट्टिकाएं, स्टार्च प्लेट्स के रूप में संचित होता है। पायरेनॉइड्स की जो उत्पत्ति है वो पूर्व में उपस्थित पायरेनॉइड्स के विभाजन या जीव द्रव्य से स्वतः होती है, जिसको हम बोलते हैं डी नोवो। डी नोवो मतलब अपने आप स्वतः ही होने वाली प्रोसेस। पायरेनॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। दीज ऑर्गेनलीज आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, पायरेनॉइड्स आर सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स, बट इन सम एल्गी सच एज डायटम्स दे एकुमुलेट लिपिड्स इंस्टेड ऑफ स्टार्च। डायटम्स में वो लिपिड्स को संग्रहित करके रखती हैं। अ क्रोमेटोफोर में है वन और मोर देन वन पायरेनॉइड्स। वन पायरेनॉइड इन अ क्रोमेटोफोर, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, एंड मोर देन वन का उदाहरण है ऊडोगोनियम। दीज पायरेनॉइड्स आर एम्बेडेड इन द क्रोमेटोफोर्स, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, और अटैच्ड ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, एक वृंत की सहायता से सतह पर लगे रहते हैं, इसका उदाहरण है एक्टोकार्पस। द एम्बेडेड पायरेनॉइड्स, एम्बेडेड मतलब जो कि अंतः स्थापित हैं, एम्बेडेड पायरेनॉइड्स आर यूजुअली ट्रेवर्स्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर लैमेले। इन सम एल्गी पायरेनॉइड्स आर ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली एट सर्टेन स्टेजेस। देयर प्रेजेंस इन सच केसेस इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।